हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम सारे काउंसलिंग, जितने भी काउंसलिंग है बीआर के लिए होते हैं, उन सारे काउंसलिंग्स का मैं आपको अपडेट बताऊंगा कि क्या अपडेट चल रहा है उनका। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि जोसा काउंसलिंग हो गया, या फिर किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो गई, या फिर स्टेट काउंसलिंग, हर काउंसलिंग जो भी होती है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग के अपडेट्स आज हम कवर करेंगे और ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके लिए आप दो काम जरूर कर लेना। ठीक है, ये अपडेट्स के, एक तो मैं आज आपको ये सारे काउंसलिंग्स की लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा? ये लिंक मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का प्रोसेस भी मैं आपको इस बोलने के बाद मैं डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेने के बाद लिंक ओपन नहीं होता है टेलीग्राम का, तो वो ये प्रोसेस करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि सारी काउंसलिंग की लिंक्स उन्हें इजीली मिल जाए, उन्हें इतना रिसर्च ना करना पड़े इंटरनेट पे, तो इजीली उनको मिल जाएगा। बाकी हमारी तरफ से पेड काउंसलिंग्स भी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मोस्ट ऑफ द गाइडेंस चाहिए होता है हाथ पकड़ के कराने का, तो जो बच्चों को इस तरीके का दिक्कत है वो पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हमारे ऐप पे जाकर के आर्च ओशियन ऐप डाउनलोड करके भी आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस या थोड़ा बहुत क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा, या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे, यहाँ पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा, ठीक है, और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में। ठीक है, आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो। सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे, सेव मैसेज आपका आ जाएगा। ठीक है, सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा, फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे, और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें काउंसलिंग्स के अपडेट्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम जोसा काउंसलिंग की बात करें, तो जोसा की जो काउंसलिंग है वो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। मेरा ये कहना है कि जितने भी बच्चे बीआर का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, जिनका रैंक 5000 से नीचे है, वो प्लीज जोसा की काउंसलिंग में फॉर्म भरे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्योंकि 75% वाला क्राइटेरिया इस साल 2-3 साल बाद आया है। ठीक है, वापस 75% वाला क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली आप जरूर से जरूर फील करें फॉर्म। ठीक है, कट ऑफ जो 2000, पहले तो कट ऑफ 1500 के अंदर निपट जाता था, लेकिन अब वो बढ़कर के 2000, 2500, 3000 तक भी जा सकता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ सीट्स खाली है। मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 75% वाले क्राइटेरिया में नहीं आ रहे। ठीक है, उनका 75% नहीं पूरा हो पा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन कर दे, लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा जोसा का। अगर आपने जेईई मेन पेपर 2 दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे रजिस्ट्रेशन को, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, जेईई के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके भी अपना पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हो, अगर इनवैलिड बता रहा है तो। अब अगर हम राजस्थान काउंसलिंग की बात करें, तो राजस्थान काउंसलिंग जो थी आपकी, वो 28 मई से ही स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन इसका एंड डेट अभी नहीं आया है, तो जो भी बच्चे बीआर की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक मैं वहां डाल दूंगा। और रीप मतलब राजस्थान के जितने भी होम स्टेट के बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली इसके लिए अप्लाई करें। अगर मैं महाराष्ट्र काउंसलिंग की बात करूं, ये हमारे महाराष्ट्र काउंसलिंग की वेबसाइट है। महाराष्ट्र काउंसलिंग में जैसे ही यहाँ बी आर्क में आपको न्यू का साइन, इस तरीके का कुछ साइन दिखेगा बी आर्क में, तो आप समझ जाना कि महाराष्ट्र का कैप राउंड शुरू हो चुका है बीआर के लिए। आपको नाटा या फिर जेईई मेन पेपर 2, जेईई मेन पेपर 2 के तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन नाटा से आपके काउंसलिंग होंगे, तो नाटा के थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही उम्मीद है कि ये सारे काउंसलिंग्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अगर मैं गुजरात की स्टेट काउंसलिंग की बात करूं, तो गुजरात की स्टेट काउंसलिंग की ये वेबसाइट है।
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आकर के एक कॉमन रजिस्ट्रेशन एसीपीसी से रजिस्ट्रेशन कर देना है, लेकिन अभी एसीपीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आप एक बार चेक कर ले। मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तब तक ये बीए ओपन नहीं था गुजरात की काउंसलिंग का, ठीक है। अगर मैं हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग की बात करूं तो हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग अभी बीआर के लिए नहीं स्टार्ट हुई है। ये वेबसाइट है हरियाणा होम स्टेट के जितने भी बच्चे वो ऑब्वियसली इसमें अप्लाई करें, क्योंकि दो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाले हैं, एक तो आपके पास डी क्रस्ट है, दूसरा आपके पास सुपा है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप अप्लाई करें। अगर मैं कोविड के की बात करूं तो जो भी बच्चे बैंगलोर में जाना चाहते हैं और जिनको फीस स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऑब्वियसली कोविड के का काउंसलिंग का फॉर्म भरे, लिंक उनको वही मिलेगा, या फिर आप गूगल पे जाकर के कोविड के सर्च कर सकते हो। कोविड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 14th of June से और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 28th of June है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर फाइन एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, बेसिकली JNAFU वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज की लिस्ट में आता है, स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। इसकी जो काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी ही स्टार्ट होगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यूपी की काउंसलिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। चंडीगढ़ की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सॉरी चंडीगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी बच्चे जेई मेन में अच्छा रैंक लाए थे 500 से अंदर उनका रैंक था लेकिन उनके पास 75% और नहीं था, तो वो प्लीज चंडीगढ़ काउंसलिंग का फॉर्म जरूर भरे, उससे उनको चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा काउंसलिंग की। उड़ीसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी बीआर के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया। केरल का जो काउंसलिंग होता है बीआर का वो साइट्स मैंने अवेलेबल कर दिया, लेकिन केरल लैंग्वेज में मेरे को थोड़ी सी इशू है तो नोटिफिकेशन वगैरह मैं पढ़ नहीं पाता, तो जो भी केरल के स्टूडेंट है वो प्लीज एक बार केरल की वेबसाइट जाकर के रिसर्च करें। बीआर का काउंसलिंग पोर्टल यही है होगा आपका। वेबजी की रैंक्स अवेलेबल हो चुकी है, जल्दी ही आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वेबजी पे, ठीक है। वेबजी मतलब वेस्ट बंगाल। अगर मैं तमिलनाडु काउंसलिंग की बात करूं तो तमिलनाडु काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है फॉर बीआर तो वो आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर मैं जामिया की बात करूं तो जामिया का रजिस्ट्रेशन अभी बंद हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि जामिया का रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होगा और ये काउंसलिंग आपके थर्ड अटेम्प्ट के बाद स्टार्ट होंगे, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, उसके बाद उनके कट ऑफ्स निकलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अगर मैं अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अन्ना यूनिवर्सिटी के अपडेट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं, जाकर के आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको एक बार चेक कर लेना। अन्ना यूनिवर्सिटी के कैप डेटा बहुत अच्छा कॉलेज है, वो NIRF रैंकिंग में भी आती है हमारी अन्ना यूनिवर्सिटी। अगर मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आंध्रा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मेरे को आर्किटेक्चर का कोई अपडेट नहीं दिखा है, किसी बच्चे को दिखे तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देना यार। अगर मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो IPU की रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो चुकी है, जिन बच्चों को IPU की रजिस्ट्रेशन करनी है लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। दिल्ली के बच्चे ऑब्वियसली जिनका दिल्ली का होम स्टेट है वो कंफर्म IPU का रजिस्ट्रेशन करें, और साथ साथ में आप जैक दिल्ली की भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैक दिल्ली का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ जैक दिल्ली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सैफ यूनिवर्सिटी के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन होता है बीआर के लिए वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर कोई बच्चा रजिस्टर करना चाहता है जिसके स्कोर अच्छे हैं नाटक के अटेम्प्ट में वो जरूर जाकर के सैफ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर दे। मिजोरम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अभी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट मेरे को नहीं देखने को मिला है। सीसैप आपके जोसा काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होगा, और MP काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेरे को साइट नहीं मिल पाई है, जल्द ही मैं आपको MP काउंसलिंग के साइट्स अवेलेबल कर दूंगा फॉर बीआर, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना क्योंकि लिंक्स आपको वहीं पे मिलेंगे और रेगुलर अपडेट आपको वहीं पे मिलेगा, जो भी लिंक्स हैं वो आपको वहीं पे मिलेंगे, टेलीग्राम आपको वहीं पे टेलीग्राम पे ही मिलेगा और रेगुलर अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और किसी बच्चे को अगर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है तो वो जाकर के हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, हर डे आफ्टर में क्लास चलती है आधे घंटे की, जिसमें हर एक स्टूडेंट से 1-to-1
इंटरेक्शन होता है जिससे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि कहां उनको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ कीजिएगा, आगे भी जो भी अपडेट्स होगी आपको मेरे चैनल पर फटाफट मिलती है।